हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज देख सकते हैं, जो मैंने मशीन बनाई थी और कुछ मेरे दोस्तों का कहना था कि सर आपने ये मशीन कौन कौन से पार्ट से बनाया है, वो पार्ट्स मुझे भी बताएं और हो सकता है कि मैं भी ये मशीन बनाऊं। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सा पार्ट्स मैंने लगाई है और वो आपको हम डिटेल्स से बताना चाहते हैं। और उसके बाद जो है कि आप कलम कॉपी लेके तैयार हो जाएं कौन सा पार्ट्स मैंने लगाया है, वरना आप यह वीडियो भी डाउनलोड करके आप रख सकते हो। और दोस्तों एक ज़रूरी बात कि आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा पार्ट्स मैंने इस मशीन में बनाने में उपयोग किया है। तो ये पैनल उपयोग किया है और देख सकते हैं तकरीबन 1800 से 2000 के बीच ये पैनल आई है। और ये पैनल आप कोई सी भी कंपनी के ले सकते हैं, इसमें रिवर्स फॉरवर्ड सब चीज़ है, ये आ जाएगा तो आप देख सकते हो। और दोस्तों ये पुश बटन है जो रिवर्स फॉरवर्ड में काम आती है। मैंने अभी इस जगह नई मशीन बनी है तो मैंने इस जगह लिखा नहीं है, वो हम ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि इस जगह हमने ये ड्रॉय डाला है दराज, जो कि कुछ सामान रखने के लिए। और दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये जो कूलर किट का हम शुरू करते हैं कौन सा पार्ट किधर से लिया है। तो ये जो कूलर किट का जो दोस्तों रोटर आता है, ये कूलर किट का ये रोटर है, आप इसको देख पा रहे होंगे। और दोस्तों ये जो पाइप आता है, जो चरखुट्टा जो पाइप होता है, मैंने उसका काट के दिया है। और दोस्तों ये जो प्लेट है, ये प्लेट और ये वाली प्लेट, और दोस्तों ये जो मैंने कान बनाई है, ये घर पे भाथी के जीरिया इसको हमने बनाया है। और जो फोर व्हीलर जो हुआ करता था तो उसमें ये स्प्रिंग पत्ती हुआ करता था, वही स्प्रिंग पत्ती इसमें मैंने हार्ड लगाया है और इसको हीट करके, इसको मतलब जो सेब में लाया है इसको हीट करके और भाथी के थ्रू इसको मैंने बनाया है। और इसको भी मैंने भाथी से ही, मतलब इसको गर्म करके एक डाई रख के चापा है। उसके बाद दोस्तों इसको देख पा रहे हैं कि इस जगह मैंने इसको लंबा लंबी इसको ग्राइंडर से काटा है, और इसको भी यहाँ से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाला जो पोजीशन, ये वाला जो आटा चक्की जो मील होता है दोस्तों, उस जगह एक इतना बड़ा एक चक्का होता है, उसको मतलब आटा को ढील टाइट और महीन बारीक करने के लिए, तो उस जगह का यह है। ये स्टील का लेना है आपको, ये दो पीस लगा है यहाँ पर। और दोस्तों इस जगह वही चीज़ जो गुल्ला बोलते हैं उसको, वो दो पीस यहाँ लगा है, तो दो दूना चार पीस लगा है। अब मैंने इसको इसमें धर के वेल्डिंग किया है, यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आते हैं इसके इस भाग की तरफ। तो इस भाग में आप देख सकते हो कि ये वाला जो हिस्सा है, जो घर के अंदर जो हैंडल होता है ना, बाकल लगाने का, जो स्टील वाला होता है, लोहा वाला नहीं लेना है, स्टील बाकल लेना है, वो हैंडल होता है घर भर के अंदर, तो वो लेना है। वो एक पीस का आपको ये दो पीस बन जाएगा बीच से काट के। उसके बाद आपको यहाँ सेब लाना, सेब करना है, बिल्कुल स्मूथ करना है, ये बिल्कुल स्मूथ करना है। उसके बाद इसके अंदर ऐसी कोई बात भी नहीं है। और मैंने इसको मास्टर बनाया है, इससे दोनों मतलब रनिंग और स्टार्टिंग दोनों हो जा रहा है। देख सकते हैं अभी मैंने स्टार्टिंग भरा था तो इस जगह ये वाले नोट को खोल के मैंने इसको आगे कर दिया था, और अभी जब रनिंग भरा जा रहा था इस वाले नोट को खोल के इधर कर दिया, तो ये दोनों एक ही डाई से काम कर जाता है। अगर इसका स्टेटर का ये फाँक थोड़ा बड़ा भी हो या थोड़ा चौड़ा भी हो तब भी काम कर जाता है। और ये भी पेपर का काम आता है, तो ये इस जगह ऐसा घुसा रहता है। तो दोस्तों ये आपको लेथ वाले के पास जाना है, ये इस तरीके से बनवाना है। इसमें 6202 बैरिंग लगा हुआ है, 6203 इसमें बैरिंग लगा हुआ है। ये बैरिंग इस जगह आप करेंगे। और दोस्तों इस जगह जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो लोहा है दोस्तों, ये वाला जो इसका जो बीच का लोहा है, ये भी मैंने हार्ड लोहा डाला है। ये जो हार्ड लोहा है, मोटरसाइकिल का जो किक सापट होता है दोस्तों, बहुत हार्ड लोहा होता है, वो मैंने डाला है। और इस जगह भी दोस्तों मैंने मोटरसाइकिल का किक सापटे है, अगर आप नॉलेजदार होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इस जगह भी हॉल है, देख पा रहे हैं, ये भी मोटरसाइकिल का किक सापटे है जो मैंने इसमें लगाया है। तो ये स्टील है और ये किक सापट है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों जो मैंने लगाया है। और दोस्तों देख पा रहे हैं कि इस दर बिल्कुल ये स्टील है, इसका जो कलर उड़ गया, कलर बैठा भी नहीं इस पर। तो दोस्तों इस तरीका से। और दोस्तों आपको ये भी बात आप सोच रहे होंगे कि ये पैप मैंने कौन सा लगाया है, तो दोस्तों ये पैप जो है मैंने इस जगह आप देख पा रहे हैं, ये जो पाइप है, ये पैप कोई आप ना समझे कि ये कोई मोटर वगैरह का पाइप है दोस्तों, जो आपका जो फोर व्हीलर होता है उसका स्टीलिंग पैप मैंने लाया था, कबाड़ से ही लाया था, उससे ये पाइप निकाल के मैंने इस जगह हॉल करवा के ये बनाया है। तो इस जगह जो है दोस्तों एक छोटा पंखा आता है, उसके अंदर का जो ये देख रहे हैं आप बुश, यही बुश में मैंने वेल्डिंग करके मैंने इस जगह लगाया है। तो ये यहाँ पे आड़ा हो गया था, ये थोड़ा तार टूट रहा था या नहीं भी टूटा था, मैंने इस जगह देखा कि ये बिल्कुल क्लीन हो रहा था, ये फॉल्स हो गया, मैं इसको हटा दूँगा। और दोस्तों ये देख पा रहे हैं ये वाला,
तो ये जो बस ट्रक का जो ट्यूब होता है उसके अंदर का ये ट्यूब का नोजल है, जिसको नोजल बोलते हैं। और दोस्तों ये वाला कौन सा हिस्सा, ये मुझे बनवाना नहीं पड़ा। ये जो पंखा आता है स्टूल फैन, उस पंखा के भीतर पंखड़ी के नीचे से लगा होता है ये टाइट करने वाला, जो बुश होता है उस पर रख के टाइट करनी है। तो बुश का साइज़ है ये, काम करके ये दो मैंने पंखा से निकाल के, जो पुराना पंखड़ी टूट जाता है उससे निकाल के मैंने लगाया है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें लकड़ी का वायरिंग वगैरह लगाया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। इसको मैं बाद में निकाल दूंगा। आप बिल्कुल इतना ही, जो ये सब में मैंने इतना मेहनत किया, आपको अगर ये मशीन बनानी हो तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ये सब बनानी नहीं है, इस तरीक़े से बना देना है और उस तरीक़े से आपको नोज़ल लगा देना है। तो आप देख पा रहे हैं इस जगह जो मैंने, इसको मैं खोल भी सकता हूँ कभी, और ये वायरिंग निकाल के चेंज भी कर सकता हूँ इस जगह। तो ये आपको जाम पत्ती लगा के इसको मैंने टाइट कर दिया, ये अलग से। इसको अगर ऐसे खिड़ाएंगे ये बाहर निकल जाएगा, इधर जिधर भी घुमाएंगे ये घूम जाएगा। और दोस्तों आते हैं इसके पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ जो ये पुल्ली है दोस्तों, ये पुल्ली टोटल मैंने कबाड़ से जो जैसा पुल्ली समझ में आया वैसा मैंने लाया और इस जगह से इसको टाइट किया। उसके बाद यहाँ जाम नोट धर के टाइट किया, और यहाँ इसका हॉल है, यहाँ से इसका तार जाता है और ये वाला लगाया है। और दोस्तों आते हैं इसका मोटर पर, तो दोस्तों इसका मोटर मैंने जो फराटा फैन का जो मोटर होता है दोस्तों, बस वही फराटा फैन का ही मोटर लगाया है, देख पा रहे हो। इस जगह से मैंने इसका पैनल बनाया है और आपको मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो दोस्तों सिस्टम दिया है मैंने कि अगर आपका एक इंच बेल्ट छोटा या बड़ा भी हो तो आप ये मोटर काम करेगा, और ये मोटर का बैंडिंग भी आपको बताएंगे। आप ये मोटर का जो बैंडिंग करना है आपको 29 नंबर से स्टार्टिंग रनिंग दोनों करना है और सेम टर्न डालना है इसके लिए। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इधर का नीचे का टोटल डायग्राम मैंने सिस्टम डाला है, इसका भी वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पर छोड़ चुका हूं, और आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप उस पर जाके, आप मेरे चैनल पे जाके आप निकाल सकते हो, नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये मैंने इस जगह दराज बनाई थी, और ये जो उसका जो सिस्टम है ये सब जो मैंने डाला है, और ये बड़ी अच्छी तरीके से ये मशीन बनी है, ना ही इसमें कोई आवाज़ है। आप इसका और सारे वीडियो डाला हुआ है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वाला जो दोस्तों ये जो सिस्टम है आप देख पा रहे हो, ये जो आगे पीछे सरकता है ऊपर, तो ये वाला जो सिस्टम है दोस्तों, ये मोटरसाइकिल का सॉकर पाइप है, ये भी सॉकर पाइप है, और ये वाला जो हिस्सा है ये गजन पिन है। इसमें मैंने एक और दो तीन चार पीस मैंने गजन पिन डाला है, चार दोनों आठ पीस हुआ, जो बजाज ऑटो रिक्शा का गजन पिन आता है, एक सामान का आता है। इसके अंदर जो है तीन सूता का जो नोट वोल्टू लंबा करके डाल के मैंने बांधा है। और दोस्तों इसी के ऊपर जो आपको देख पा रहे हो इस जगह, ये आगे पीछे होता है, ये जो है ये आगे और पीछे होता है, बिल्कुल थोड़ा सा भी इसमें ढक वक नाम का कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल आगे पीछे होता है। तो दोस्तों इधर से भी आप देखो कितना सुंदर ये बैंड होता है, बहुत ही मजबूत, बहुत ही सुंदर इसका बैंड होता है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मिस किया हूँ, मिस नहीं, मैं तो इसको चला ही लूँगा, अदर आदमी के लिए थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है लेकिन उसको जानना पड़ेगा। तो इस जगह एक हम घाट बनाएंगे जो इस डाई को बिल्कुल सेटिंग अपने आप पहुंच जाए, हमको सिर्फ ऊपर नीचे की करने की ज़रूरत पड़े। और ऐसे भी एक मेरा छोटा सा लड़का है जो 12 साल का, वो ये मशीन चला लेता है और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। तो दोस्तों इसमें हमने ये कितना वोल्टेज रहता है उसके लिए ये मीटर डाला है, और मैं आपको मशीन चला के भी दिखाने का कोशिश करूँगा। और ये जो आपको ढील करना है, ये ढील करके आपको इसको इधर लाना है और फिर टाइट करके उधर जाना है, और फिर ये आराम से टाइट चलता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये कितना हार्ड है, देखिए कितना हार्ड भरा गया, बिल्कुल टाइट भरा गया, एक ज़रा सा ये दबता नहीं है दोस्तों, देख पा रहे हैं कि बिल्कुल दबता नहीं है, बहुत हार्ड और बहुत सुंदर भरा गया है। तो दोस्तों इस मशीन को बनाने में तकरीबन हमको 1.5 से 2 साल लग गया है, इसलिए कि मैं कंटिन्यू इसी को काम नहीं कर रहा था, और भी मेरा दूसरा काम है जो टेलर का काम है वो मैं कर रहा था। तो ये आगे का ये लोकेशन है, और दोस्तों ये इधर का लोकेशन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अगर आपको इसमें, अगर ये मशीन आप बनाना चाहते हो, अगर आपको कोई चीज़ का सुविधा हो या कोई दिक्कत हो तो मेरे अवार्ड पे जाएं, वहाँ हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप से भी रब्ता कर सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें ऐसा लगा वैसा लगा। तो आप ये मशीन बिल्कुल बना लें, आपको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके अंदर नॉलेज है अकल है तो आप बिल्कुल बनाएँ। हाँ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर अलग बात है। तो मैंने इसको बहुत अच्छा तरीक़ा से बनाया है, और मुझे तो नहीं लगा इसमें और कुछ भी कमी हो, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही स्मूथ आवाज़ है। और आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहें, हम आपको चला के भी दिखाएंगे, और हो सके तो आप लोग हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने में और दिखाने में दोस्तों। तो ज़रूर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें मोटिवेशन दें,
और दोस्तों आपको ये मशीन कैसी लगी हमें कमेंट्स में लेकिन ज़रूर बताना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें लाइट आ चुकी है और हम इसका एक खांचा भर के आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये आपको इस तरीके से छोड़ाना है और इसको हल्का सा फिर एक बार आपको घुमा देना है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये तो दोस्तों ये वाला जो पत्ती है ये वाला जो आपका पत्ती है ये पत्ती आपको इसमें घुसा देना है और बिल्कुल आपका बिल्कुल ये दोस्तों देख पा रहे हैं ये वाला पत्ती मैंने घुसा दिया है। और दोस्तों इस जगह जो है इस जगह आपको ये तार को इस जगह से चाप के एक दो टर्न आपको ऐसा हाथ से घुमाना होगा। तो दोस्तों एक दो टर्न आपको हाथ से घुमाना होगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं एक दो टर्न मैंने हाथ से इसको घुमा चुका हूं। अब दोस्तों ये जो है रिवर्स से घूमेगा और ये पुश बटन को हमको दबाना होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरीका से ये काम करता है दोस्तों बिल्कुल सुंदर तरीका से ये काम करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये भरा जाता है। तो आप भी अपना एक घर पे आप मशीन ऐसा बना सकते हो, मुझे यकीन है कि आप बना सकते हो। और मैंने 378 पे डाला है, ये 400 टर्न पे रुकता है। तो दोस्तों एक दो टर्न आगे पीछे हो सकता है, वो आपको कर लेना है। नेक्स्ट टाइम इसका जो है ना पूरा मतलब इसमें ब्रेक नहीं लगाया मैंने, ये फर्स्ट टाइम था। तो इस तरीका से आप इस मशीन को बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।